रजनी को बचपन से ही पेंटिंग का बहुत शौक था वो हमेशा से ही पेंटर बनना चाहती थी पर उसके माँ और पिताजी ने उसको कभी भी इस चीज के लिए सपोर्ट नहीं किया और उसकी शादी नीरव से हो गई नीरव रजनी को बहुत प्यार करता था पर रजनी हमेशा चुपचाप ही रहती वो इस शादी से खुश नहीं थी वो ये शादी नहीं करना चाहती थी उसे तो हमेशा से पेंटर जो बनना था अपने इस सपने को वो नहीं पूरा कर पाई इसलिए वो हमेशा उदास रहती थी रजनी बहुत ही बढ़िया फिल्म लगी है कल देखने चले नहीं जी कल मुझे बहुत काम है मैं नहीं जा अच्छा तो कोई बात नहीं संडे को चलते हैं। देखिए मुझे फिल्म देखना पसंद नहीं है आपको जाना है तो चले जाइए नीरो को मना करके रजनी वहां से चली जाती है और अपने बैग को खोलकर उसमें बंद पड़े ब्रश और कलर्स को देखकर रोने लगती है रजनी चलो ना कहीं बाहर खाने चलते हैं। कुछ तुम्हारी पसंद का? जी, मुझे नहीं जाना मेरी तबीयत ठीक नहीं है रजनी वहां से चली जाती है नीरो को समझ नहीं आता कि रजनी उससे इतना दूर क्यों रहती है वो जब भी उसके साथ वक्त बिताना चाहता है रजनी कोई ना कोई बहाना बना देती है एक दिन घर पर कोई नहीं था रजनी घर का सारा काम जल्दी से खत्म कर लेती है घर पर अकेले होने के कारण वो सोचती है कि वो आज पेंटिंग करेगी वो अपने कमरे में जाकर पेंट ब्रशेस और कलर्स निकालकर जैसे ही कलर मिक्स कर रही होती है कि दरवाजे पर बेल बज जाती है अब कौन आ गया इस वक्त इतनी मुश्किल से तो मुझे पेंट करने का मौका मिला है रजनी दरवाजा खोलती है तो उसकी सास अपनी सहेलियों के साथ खड़ी होती है और सब घर के अंदर आ जाते हैं अरे बहू सबको शरबत बनाकर पिला दे बाहर तो बड़ी गर्मी है जी रजनी पेंट ना कर पाने से उदास हो जाती है उसे गुस्सा भी आ रहा होता है कि उसने इस शादी के लिए हाँ क्यों कह दी वो रसोई में जा रही होती है कि उसकी सास उसे रोकती है बहू सबके खाने का भी इंतजाम कर लेना आज का लंच तो ये सब यहीं करेगी हाँ रजनी बिना कुछ कहे रसोई में चली जाती है सबके लिए खाना बनाती है सब खाना खाते हैं और रजनी घड़ी देखती है कि ये सब कब जाएंगे ताकि वो अपनी पेंटिंग कर सके जब शाम होती है तब सब चले जाते हैं अपने घर अरे बहू सब तेरे खाने की तो बहुत तारीफ कर रहे थे सबको बहुत अच्छा लगा खाना आपको मुझे सुबह बताना चाहिए था ना कि आपकी सहेली आ रही है पता भी है कितना वक्त लगा सारा खाना बनाने में अरे बहू तू ऐसे कैसे बात कर रही है मुझसे तो और कैसे बात करूं? मैं इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूं कि इतना काम करूंगी रजनी अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है शाम को जब नीरव आता है तो उसकी माँ उसे पूरी घटना के बारे में बताती है क्या रजनी ने आपसे इस तरह बात की माँ हाँ और पता नहीं उसे क्या हो गया है शाम से बाहर भी नहीं आई है मैंने तो कई बार आवाज दी खाना भी नहीं खाया उसने तू ही बात करके देख ले बेटा नीरव अपने कमरे का दरवाजा खटखटाता है रजनी दरवाजा खोलो मैं हूं रजनी दरवाजा खोलती है और फिर वापस जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है रजनी मां से बात करने का यह क्या तरीका है मैंने कोई गलत बात नहीं की है अरे तुम क्यों ऐसे बर्ताव कर रही हो सबके साथ क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो रजनी कुछ नहीं बोलती अरे बताओ मुझे रजनी क्या यह शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है हाँ मैं ये शादी कभी नहीं करना चाहती थी तुमसे क्या मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी <laughs> रजनी रोने लगती है चुप हो जाओ रजनी बताओ मुझे तुम क्यों नहीं करना चाहती थी शादी रजनी बेड के नीचे से अपने पेंटिंग्स कलर्स ब्रश पेपर्स निकालती है इतने में उसकी सास भी कमरे में आ जाती है ये देख रहे हो ये थे मेरे सपने मैं पेंटर बनना चाहती थी पर माँ पापा ने कभी सपोर्ट नहीं किया और मेरी शादी करवा दी मेरे सारे सपने टूट गए हर वक्त बस गुस्सा आता रहता है मुझे मैं जानती हूँ कि आप लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है पर मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आता रजनी फूट फूट कर रोने लगती है मुझे माफ कर दीजिए आप दोनों के साथ मैं बहुत बुरा बर्ताव कर रही हूं अरे रजनी बेटा चुप हो जाओ तुम नीरव पानी लेकर आता है ये लो पानी पियो और शांत हो जाओ रजनी पानी पीती है और उसकी सास पेंटिंग्स देख रही होती है अरे नीरव हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी बहु कलाकार है अरे कितनी अच्छी पेंटिंग्स बनाई है देखो तो ये वाली तो मैं अपने कमरे में ले जाऊंगी आपको ये पेंटिंग्स अच्छी लगी अच्छी नहीं बहुत अच्छी लगी और तुमने हमें बताया क्यों नहीं तुम जब चाहे पेंटिंग कर सकती हो रजनी हम तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारा पूरा साथ देंगे हाँ बेटा हम कला की कद्र करते हैं। हम कलाकार तो नहीं पर मुझे गर्व है कि मेरी बहू एक कलाकार है रजनी नीरव और सास तीनों हंस पड़ते हैं